मोनिका 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 मेरी प्यारी बेटी कहाँ पर है तू? मेरी सोनू, इतने सालों तक मैं तेरा चेहरा देख रही हूँ, तभी तो ये मंगला विलास लॉज चल रहा है। और सालों तक मुझे और मेरे इस लॉज में रहने वालों को बुरी नजरों से बचाना, ठीक है ना? समझ गई? समझ गई ना? अरे बच्चों, जल्दी आओ। तू तू हे भगवान, सुबह उठते ही चालू हो जाते हैं। क्या कर रहा है? हाँ, दिखाई नहीं देता है, मोनिका के दांत बाज रहा हूँ। तूने मजे? हे राम, भूल गया। ओ मेरी प्यारी सी राजकुमारी, प्यार से हमको दूध दे दे। वो बहुत पुराना गाना है। दूध दे दे हमको प्यार से हमारी राजकुमारी, दूध दे दे जल्दी से। माँ मोनिका, सबको अच्छा जीवन देना। हाँ, ऐसे ही आगे चलकर बहुत बड़ा ऑफिसर बने और जैसा तुमने सोचा है मामा की लड़की से शादी हो जाए। तब तक तो उम्र हो जाएगी। बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनकर पूरे संसार में घूम कर आना। पासपोर्ट नहीं है तो क्या हुआ? पास की दुकान से खरीद लेते हैं। जैसे तुमने सोचा है, जल्दी से माइकल जैक्सन बन जाना। ऑटो रिक्शा चला रहा है, स्पीड में मत जाना, आराम से जा, खुश रह। ठीक है माँ। मुझे फोन आया नहीं है माँ। चुप रह, पानी ठंडा हो गया था ना? ठंडा होना था तो हो गया, नहाएगा नहीं तो कीड़े लग जाएंगे। आज से जल्दी उठकर नहाकर बीबी के साथ रहना सीख जा। ए माँ, सबको सही रहने के लिए बोला, अपने लिए कुछ नहीं बोला। क्यों, मुझे क्या हुआ है? मैं अच्छी तो हूँ। थोड़े दिनों तक बाल बच्चे नहीं है इसलिए रोती थी। उसी समय तुम पांच बच्चों की तरह आकर इस लॉज में रह रहे हो। एक बेटा होना खुशी की बात है, संसार में सब कहते हैं, लेकिन मेरे पांच पांच बेटे हैं, मैं ही भाग्यशाली हूँ। जल्दी करो, उतरो जल्दी। अरे मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये कौन सा नया प्रोड्यूसर है? ये संगीत के भगवान है। इज्जत से बात कर, मैं एक ऑफिसर हूँ, फाइल नहीं देखी, कोर्ट नहीं देखा। ओके, चलो जाकर आओ, आज तुमको अच्छा चांस मिलेगा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। तेरी लगन, तेरा ऑफिस आ गया। उसे व्हाइट वॉश करे हुए 5 साल हो गए, कितना हुआ भाई? 218 रुपए 40 पैसे इस महीने का टोटल हिसाब। अच्छा, टोटल अमाउंट बता रहे हैं? डोंट वरी, इस महीने की पेमेंट में पूरा हिसाब कर दूंगा। ओके, मैं जाऊँ, बहुत जरूरी है क्योंकि नया ऑफिसर आया है। ओवर टॉर्चर और परेशानी, चलता हूँ। आपको इन करने की जरूरत है? हाँ, मैंने इन नहीं किया तो मुझे आउट कर देंगे। मैं कितना फ्री रहता हूँ आप फ्री रह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रह सकता क्योंकि मैं एक दिन में 420 फाइल देता हूँ। इस जगह नहीं गया तो सब लोगों को सदमा लग जाएगा। डेली 5 ऑफिसों में मीटिंग करता हूँ। 6 बजे पिकअप करता हूँ। रहने दो, गरम धंधे का समय। गरम नहीं, वो क्या है, गरम मतलब हॉट बिजनेस टाइम, वो राउंड टेबल टाइम। आप जाओ, सवारी भी तो होनी चाहिए। सर आपको कहाँ जाना है? पास में ही है। ऑटो में जाइए ना। ऑटो की क्या जरूरत है उसमें? तुम्हारा ऑफिस। सॉरी सर, आपको कहाँ जाना है? सर 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 प्लीज, पैसे नहीं देंगे तो फ्री क्या आदमी। आह, क्या करूं, किसी अच्छी जगह पर काम करने की इच्छा है लेकिन क्या करें, पढ़ाई कभी समझ में नहीं आई। पीछे काम नहीं करता तो क्या हुआ, सामने करता हूँ। चटपटे मसालेदार चने, चटपटे मसालेदार चने। अगर ये बीच नहीं होता तो मुंबई के सब लवर्स तड़प जाते। अच्छा, किससे पहले बोनी करूँ? महालक्ष्मी जैसी एक लड़की, इससे पहले बोनी करता हूँ। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी मैडम, चने, महालक्ष्मी, 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 चने नहीं बेच रहा हूँ। गरम हो गया क्या? देना, फूक फूक कर खाऊंगी। फूक कर खाऊंगी। सत्यानाश हो इस पगले का, खुश नहीं रहेगा ये। अच्छा समय 8/8/2009 है, आ जाऊंगा मैं। पंडित जी, चने खाएंगे? चने खाने का वक्त है ये। तो क्या आप चने खाने का भी मुहूर्त निकालेंगे? What do you mean? मच्छी, छोटी मच्छी, बड़ी मच्छी।
आपके लिए मच्छी लेके आई हूँ। व्हाट डू यू मीन का मतलब हिंदी में क्या बक रहे हो तुम? मुझे तो मछली खरीदने को कह रही हो हैं? मेरी मछली छोड़कर शिव शिव कर रहे हो क्या? राम डांस करते हुए आ रहा है, मुझे देख लिया तो धंधा चौपट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, अरे मेरा टोकरा लेकर कहाँ जा रहा है? सुन, चलो 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 चलो, हटो 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 यहाँ से, भागो यहाँ से, चलो सामान नहीं क्या, चलो हटो 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 सब सामान, हटो इनका सामान, माय बाप में डालो, मैं आपकी पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत करो। ये सामान लेके चलो, बर्बाद कर दिया, क्यों ऐसा कर रहे हो? गाड़ी में डालो, सब वाला नहीं है, सत्यानाश हो तुम लोगों का। हे भगवान, कितना तंग करते हो। घर पर बीवी को नहीं मार पाते तुम पुलिस वाले? यहाँ पर बेसारा लोगों को मारकर उन्हें कानून बता रहे हो? जगह दो। कृष्णा ना इधर आ। चलो ये सर, जो भी हो ये क्या पेट, यहाँ पर डंडा घुमाने से अच्छा ग्राउंड में जाकर चक्कर लगाया करो। चोर को दौड़ाकर उसके पीछे भागने से तुम्हें ताकत मिलेगी, समझे? समझ में आया? चल मेरा सब दुकान तोड़ के सत्यानाश कर दिया। इसमें कोई कमी नहीं रखते, बड़े बड़े क्रिमिनल खुद आकर यहाँ पर सरेंडर करें, तुमने पकड़ कर बंद किया करके वाहवाही के मजे लेते हैं, उसी समय 5-10 रुपए के लिए रो रहे इन लोगों के सामने कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या ऐसे देख रहे हो? जाओ। अच्छा इधर आ सर। अरे पैसे देने के लिए कोई रह गया है क्या? सर वो क्या है ना कि, अच्छा फिर जा, लोगों के सामने कानून का पाठ पढ़ा रहे हो, क्या ऐसे देख रहे हो? जा। इतने साल रहकर क्या करोगे माँ जी? जब तक शरीर में खून है रहकर अपना कर्तव्य पूरा करता रहूंगा। फूलों को धूप में रखा हुआ है, सूख नहीं जाएंगे क्या? नहीं साहब, पानी डालूंगी तो सूखेंगे नहीं। मैंने फूल को नहीं कहा, तुमको कहा है जान। थोड़े खुले फूल लेकर आ, वहाँ छाया में जाकर फूल की माला बनाते हैं, चल ना वहाँ आ ना। अरे साहब छोड़ दो मुझे, छोड़ दो लड़की को, छोड़ दो मुझे। अरे साहब माफ करो, चल हट, चल हट। आधा राक्षस मिलकर बना हूँ इंसान में, छोड़ दो उस लड़की को, छोड़ो। अनु क्या हुआ? मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खड़ी हुई थी और इसने जबरदस्ती मुझे रिक्शे में बिठा कर यहाँ लेके आ गया। तू कौन है जिसने मेरी बहन को छुआ? नमस्ते सर। माँ, बहन के नाम से गुस्सा आ गया? खून का रिश्ता है ना, ऑटो मीटर नहीं है तो तुम पकड़ते हो। गरीब जनता को हाथ लगाओगे तो मैं पकड़ूंगा। इस एरिया में नया है क्या? मैं दूसरों की वाट लगाने वाला आदमी हूँ, मेरी वाट लगाएगा तू? मेरी बहन को लेकर आकर मुझे ही गर्मी दिखा रहा है, खाल उतार दूंगा तेरी। दूसरों की बहन को तुम्हारी गाड़ी में बैठाना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन को अपने ऑटो में बैठाना गलत है। अपनी बीवी को फूल समझकर कान में लगा, वाट लगाने का काम अपने लोगों से रख, रोड पे रखा तो ऑटो पर चढ़ा दूंगा। चलो रहने दो, मैं पैदल चल जाऊंगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, 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 पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, मंगला माँ सो रही हैं, 12 बजे के बाद आने की अनुमति नहीं है। लेकिन दूसरे के घर तो जा सकते हैं ना? अंदर आओ। अरे आराम से, आराम से, चुपचाप। हाँ
आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ धीरे धीरे बोलो धीरे बोलो चुपो आ जाओ धीरे 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 हाँ आराम से लाइट कहाँ पे है ठीक है लाइट वाले की तरफ रख कर क्यों भाई घर का ताला लगा है चेक किया क्या हाँ भाई हर कोई बाहर जाते समय ताला लगा है चेक करते हैं पर हम घर के अंदर आकर ताला लगा है चेक करते हैं क्योंकि ये हमारा घर नहीं है हमारी मंगला माँ की लॉज में पीने पे पाबंदी होने की वजह से हम यहाँ पर आके पी रहे हैं ए, फील कर रहा है मंगला माँ की वजह से हमें एक ऐसी लग्जरी जगह मिली है 5-star होटल में मिलेगी ऐसी सुविधा तूने अपने जीवन में ऐसा सोफा देखा है पीए बिना ही लग गया करण तुम्हारी कंपनी का मालिक अब कैसा है वो क्यों पूछते हो पहले एक कंपनी के लिए पीने के लिए गया पीने के लिए कंपनी बेच दी क्वार्टर क्यों बेच दिया वो क्वार्टर सी तो बेचकर अब क्वार्टर के लिए गली गली घूम रहे हैं ए, ये क्या किया था हंस रहा था ओहो तुमने क्या समझा वही समझा ना तो ठीक है चुप कर जरा सी पी दे तुम लोगों को चढ़ जाती है इसीलिए तुम लोगों के साथ नहीं पीता हूं ए वो तो ऐसा ही है तू क्यों रो रहा है इसी पत्ते को देखकर 25 साल पहले मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर मेरे बाप ने मेरी शादी कराई थी शादी के बाद संबंधी ने दावत भी दी थी दावत में मेरे पिताजी के सामने एक छोटा सा पत्ता रखा लड़की के बाप ने उसमें मेरे पिताजी को गुस्सा आ गया उन्होंने कहा ये भी कोई दावत है इससे कहकर उन्होंने संबंधी से लड़ाई कर ली और फिर दोनों के बीच लड़ाई हो गई और जब दोनों के बीच लड़ाई हो गई तो पत्ता फट गया 25 साल हो गए मैंने अपनी बीवी को नहीं देखा दोस्त पीकर तुमने एक सच बोला इसलिए मेरे मन में दर्द हो रहा है आज मैं भी एक सच बताता हूँ तुम जैसा समझ रहे हो मैं कोई बड़ा ऑफिसर नहीं हूँ बीच पर चने बेचता हूँ झूठ मत बोल नहीं यार तुम्हारी पर्सनालिटी को देखकर कोई बोल सकता है कि तू बीच पर चने बेचता है? मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा हम बार बार खर्चे के लिए पैसा मांगते हैं इसलिए तू झूठ बोल रहा है मैं चने बेचता हूँ मैं आराम से आकर सो जाऊंगा सोचा था लेकिन यहाँ चने वाले सोने नहीं देंगे जिंदगी में एक बार सच बोल रहा हूँ मेरी बात मान हर कोई पीने के बाद सच बोलता है ये पीकर झूठ बोल रहा है मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा यार गाँव में सब मुझे बोलते थे मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ माइकल जैक्सन बन जाऊंगा इसलिए मैं घर छोड़ के आया कोई मुझे डांस के लिए चांस ही नहीं दे रहा मुझे बहुत बड़ा डांसर बनना है बहुत बड़ा डांसर 8 साल की उम्र में मैं इतनी मुश्किल से लय सीखकर धुन बनाकर गाना सीखा संसार में बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा बोल के पढ़ाई छोड़कर यहाँ आया था कोई भी रिकॉर्डिंग कंपनी ने मुझे गाने का मौका नहीं दिया ऐसा ही चलता रहा तो पॉप सिंगर बनने की जगह शराबी बन के रह जाऊंगा निम्मी एक पत्ते की वजह से हम पिछड़ गए हैं 25 साल हो गए तुम्हें देखे बिना हम एक साथ कब रहेंगे निम्मी निम्मी मैं कब ऑफिसर बनूंगा कब मैं अंकल की लड़की से शादी करूंगा सुन के जादू जैसा दिल पे छाए
बादल जैसे जुल्फे काली हो ही मेरे ख्वाबों में आए है सदा, खुशबू जैसी है वो महकी जिसमें अरमा हो जीने की, रूप उसका मुझको लागे परियों जैसा, रोशन कर दे बुझे दीप को है अजब अदा, मस्ती भर दे जिसमें चाहे है गजब नशा, कोयल जैसी उसकी बोली है मुझे पता, मेरे सुर में गीत गाए कोई प्यारा सा, मीठी सी उसकी बोली जादू सा कर जाए, कोई जब गाँव गाना सुर में वो भी गाए, सा 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 नी 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 दा नी दा पा दा पा मा पा मा, पायल चांदी की छन छन है बाजे, छन छन सुन के जादू जैसा दिल पे छाए, सपना देखूं हर लम्हा मैं उसको सोचूं, आ रहा जिंदगी का मुझको मजा, सोए दिल के अरमा जागे उससे जुड़ गए प्रेम के धागे, हो गया हूँ उस पे यार मैं तो फिदा, सांसों में वो रहती है खुशबू की तरह, आंखों में वो बसती है सपनों की तरह, ऐसे दिल में वो छाई है से हो नशा, सबसे अलग है उसका जलवा सबसे वो जुदा, हर लम्हा साथ वो मेरे इस दिल की धड़कन है, उसके बिन क्या जीना वो ही अब तो जीवन है, सा 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 नी 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 धा नी धा पा धा पा मा पा मा, पायल चांदी की छन छन है बाजे, छन छन सुन के जादू जैसा दिल पे छाए, पहली नजर में कोई अपना सा लागे, देखा है जब उसको अरमा सा जागे, अनजाना वो चेहरा लगता है अपना सा, मन का पपीहा बोले नजरें मिला ले, पायल चांदी की छन छन है बाजे, छन छन सुन के जादू जैसा दिल पे छाए, ऐ चल बाहर निकल, ऐ तू कैसे अंदर आया, एक चने बेचने वाला तू, तू कैसे अंदर आया, चल बाहर निकल कह रहा हूँ, निकल निकल मार खाएगा, निकल। अरे अरे कैसे अंदर आया तू, कैसे अंदर आया भैया, तू हट जा बीच में से, मुझे मालूम है इसने क्या किया है, हट जा, ऐसा उससे क्यों पूछूं मैं, छोड़ूंगा नहीं, हट जा हट जा तू हट जा, अरे रहने दो भैया, अरे तुम जैसे लोग उसे मार रहे हो, शर्म नहीं आती, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, छोड़ो, अरे अरे भैया करण यहाँ क्या, अरे थोड़े इधर आओ, वो मुझे अर्जेंट काम है, अरे ये उससे भी ज्यादा जरूरी है, अरे आ जाओ ना नीचे, नहीं मुझे आज तो मेरे चटपटे चने बिक गए, आ जल्दी छोड़ो ना, अरे आ जाओ यार, मारूंगा तुमको, छोड़ दो इसको, अरे क्यों मार रहे हो, बेफजूल में एक छोटे लड़के को मार रहे हो, आधा देकर पहने से क्या बच्चे बन जाओगे, एक बड़े आदमी तरह नहीं रह सकते, वाले को क्या पूछा है, तुमने सुना होता तुम होते तो नीचे गिरा गिरा कर मारते, ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या कहा, मैंने तो केवल मारा है, एक चने बेचने वाला इस लॉज में आकर रहने के लिए रूम पूछ रहा है, इसके पूछने पर तो मुझे गुस्सा आ रहा है, चना बेचना भी तो काम है ना भाई साहब, काम है किसने मना किया, लेकिन चने बेचने वाले यहाँ रहेंगे क्या, रूम नहीं है करके बोल देते, नहीं यही कहा था, पता है क्या बोला, बाहर से सातवें माले पर 7000 रूम लेने वाला एक ऑफिसर, तुम ही तुम्हारे जैसे रह रहे एक ऑफिसर इस लॉज में चने बेचने वाले रहे तो हमारे लिए शर्म की बात नहीं होगी क्या है, आप रहने दो मैं बात करता हूं, रूम नहीं है फिर क्यों जाता है ऐसे, सर मैं बताता हूं, बाहर उसने मुझे बताया कि अंदर चने बेचने वाला रहता है, मैं उसके साथ रहूंगा और मैं उसके पार्टनर बनूंगा, मैं आधा पैसा शेयर करूंगा, बहुत बड़ा होटल कंपनी का मालिक है, पार्टनर बिजनेस करेगा, चल मैथिली नगर में रहता हूँ वहाँ काम करता हूँ, तू वहाँ आना तेरे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा, आदर्श नगर जाकर चने बेचने का सोचा था, मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक देगा, कह रहा है आज से अपना गुजारा कैसे चलेगा पता नहीं, एक अच्छे से पंडित को दिखाकर
समय अच्छा चल रहा है कि नहीं पता करना पड़ेगा। अपना भविष्य जानिए। तुम भी हंस लो। प्यार का चक्कर। अंकल की लड़की तो देखने को मिल नहीं रही, फिर कहाँ से प्यार करूँ। काल दोष। हे भगवान। एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, काम बन जाएगा ना? मैं ही जीत है मेरे भाई। ओ कैसे इतना सही बताया, मारने के लिए ही जा रहा हूँ। पकड़ दोनों को, मारने के बाद तुम्हारे लिए स्पेशल चीज लाता हूँ। ये क्या है, आया 100 रुपए देकर चला गया, क्या हुआ? आहा, पेड़ वाले पंडित गोपाल ना समझा। आहा, रख ले। ये लो जन्मपत्री, पकड़ो 100 रुपए, हर चीज सही बताना। आपका नाम ए के संदिल, पिताजी का नाम अरुणाचलम, माताजी का नाम कामना देवी, आपके साथ में पैदा हुए दो भाई सत्यनारायण और राम नारायण। हाँ जी। आपकी महीने की सैलरी 2400 रुपए। मेरे भगवान, मैंने इससे पहले अपने जीवन में ऐसा सच बताने वाला पंडित पहली कभी नहीं देखा। मैंने भी इससे पहले राशन कार्ड देकर अपने बारे में पूछने वाला कभी नहीं देखा। ये जल्दबाजी में उठा लाया, मैं जाकर अभी जन्मपत्री लाता हूँ। 100 रुपए। जो बताया उसमें बराबर हो गया, नॉन डिफेंडेबल। भाग। पंडित जी, आपने जैसा कहा था वहीं पर गधा मिला। ये लो 200 रुपए, मजे करो। आ गई रानी, आ गई मेरी रानी, चल मेरी। ये गा रहा है, गधा गा रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं लगता, कुछ भी हो। आहा, आज मेरे पास छप्पर फाड़ कर पैसा है। काला तिल, तू चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जा, आज से तेरा समय अच्छा नहीं है। तुम्हारी जगह पर और कोई बैठ जाएगा। तुम थोड़े दिन बाद पागलों की तरह गली गली घूम कर दिल के दौरे से मरने वाले हो। मैं ही हूँ पेड़ वाला पंडित गोपाल नाथ, मेरी जगह पर बैठकर मेरा ही भविष्य बता रहा हूँ। गोपाल नाथ, मुझे मारा ना तूने? तेरे पेड़ के सामने वाले पेड़ पर बिजनेस चालू करके तेरा बिजनेस क्लोज करके दिखाऊंगा। बेटा, तुम कौन से ऑटो स्टैंड से हो? एमजी नगर से? धीम नगर से हूँ। तभी तो इतने धीरे चल रहे हो। भाई के सिटी में 50 ऑटो चलते हैं, भाई को ऐसी गाड़ी में बैठकर आटा पीसने की तरह, डरबूर की तरह चला रहे हो, तो कब जाकर उतारोगे सेक्रेटरी के घर पर? आप सबसे पहले मंत्री बनने के बाद सिटी के अंदर जितने चलने वाले सभी ऑटो है, सिटी के बाहर चलने का ऑर्डर एक निकाल दीजिएगा भाई साहब। मैं तिरुपति बालाजी की दुआ से अगर मंत्री बन गया होता तो समझ लेना। समझ लो भाई साहब, आज से आप मंत्री बन गए। हाँ। एक हाथ का दूंगा ना बस। क्यों, मुझे ही मामू बना रहा है? सुन, 1300 रुपए की सेंट खरीद कर सब गलियों में सेंट छिड़क कर उसके ऊपर अपना फोटो लगा कर उसे माला पहना कर पता है अमेरिका के राशन की दुकान पर फ्री में खाने का सामान देते हैं। ऐसे ही हमारे देश में मीट मछली के साथ पूरा खाना बना बनाया दिया तो ना फिर औरतों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। औरतों के वोट सब हमारे पास ही आएंगे ना। जापान गया है तू? क्यों झूठ बोल रहा है? वहाँ पर जापान पानी के ऊपर घर बनाया हुआ है। ऐसे ही हमारे देश में पानी के ऊपर घर बनाया तो रियल एस्टेट की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। मुझे एक डाउट है, चांद पर आदमी रह सकता है? भाई साहब, आप सोचोगे तो हो जाएगा। ऐसा हुआ तो समझो अपने देश के आधे लोग चंद्रमा पर ही भेज देंगे। इस बार मिनिस्टर बन गया तो अपने देश को विदेश की तरह चमका दूंगा मैं। विदेश की तरह हमारी रोड चमकेगी, हमारे गरीब लोग खाना खा सके, ऐसा कर दूंगा अपनी रोडों को। अरे भाई, मैंने तुम्हें सेक्रेटरी के घर चलने को कहा था, लेकिन तुम तो सीता भाई के घर ले आए। मालिक उतरिए। ओ, इसमें कोई आदमी पैर रखेगा? गलियों में सैंड छलक पाएंगे कहाँ से? देश को विदेश में बदलने के लिए कहा था, पहले इस झोपड़ी को बदलकर एक गांव बनाओ। काले पीले लोगों ने, नासमझ लोगों ने सफेद कपड़े पहनकर देश का सर्वनाश करके रख दिया है। स्वतंत्रता पाकर 55 साल हो गए, 55 साल। वहाँ देखो आने वाला इंडिया, तुमने स्वतंत्रता के बाद अपनी पार्टी को कलर कलर में बदल दिया और देश के लिए कुछ नहीं किया। प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिए, गायब हो गए। बंगले को देखा? बंगले के बनाए गए दरवाजे खिड़की सब शीशम की लकड़ी के बनाए, पत्थर केरला से आया हुआ है, सीमेंट राजस्थान से आया है। इस बंगले के ऊपर एक बेडरूम है, नीचे एक बेडरूम है, ऊपर आप सो जाना, नीचे आपकी माँ सो जाएगी। कुछ समझ में नहीं आया तो ऊपर छत पे आइएगा,
वहाँ पर आप मिलेंगे क्या? ना, वहाँ पर एक छोटा सा पलंग है, वहाँ ऊपर आराम से सो सकते हैं। पता है देश की सुरक्षा आप करते हैं, बंगला आपकी सुरक्षा करेगा। थैंक यू। एक बात और, इस बंगले में जितने भी लोग आए एक महीने से ज्यादा नहीं टिके अब तक। क्यों बताता हूँ राशि बस कुछ और तो नहीं। बंगले में महालक्ष्मी आती जाती रहती है, इस बंगले में आने वालों को भर भर करके देती रहती है। यहाँ आने वाले जितने सब बंगला बना के चले जाते हैं। मैं आर्मी वाला हूँ, मैं खुद का बंगला बना नहीं सकता, पर यहाँ पर रहकर महालक्ष्मी को आते जाते देखता रहूंगा। मुझे सब पता चल गया है। ओहो, अच्छा घर पर ही रह के पार्ट टाइम बाहर चलाते हो। मैं हटा देता हूँ। रहने दो, मत हटाओ। एक आर्मी वाला वातावरण जैसा ही लग रहा है, मैं भी लगा लेता हूँ, उसके लिए सुविधा रहेगी। ये पानी ओके है? आगरा से कृष्णा वाटर आ रहा है कहा था, यहाँ पर आया क्या? कहाँ आए? आगरा से रामदेव आए, रंगा जी आए, मोहन बाबू भी आए, कृष्णा वाटर नहीं आए। अच्छा समय आ गया है, 1,00,000 रुपए एडवांस निकालो। एक और बात है, ये रख लो। आप चिंता मत करो, जाते समय एडवांस नहीं मांगूंगा, यही ना। ऑटो जल्दी बैठो, पास के बस स्टैंड पर ले चलो। बालू, आपने जैसे कहा अलमारी में से गहने, माँ के गहने सब कुछ लेकर आ गई हूँ, ओके? और पैसे? वो भी है, किसी को बिना बताए घर से आने तक बहुत लेट हो गई। दूसरी जगह जाते ही पहले हम दोनों शादी करेंगे। पहले बंगलौर जाएंगे, 2 महीने मजे करेंगे वहाँ पर, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। प्यार करना कोई गलत नहीं है, माता पिता को बिना बताए भाग जाना गलत है। घर में ही रहकर कितनी परेशानियां है उसका सामना करना, यही असली प्यार है। ए, तू रिक्शा वाला है कि एडवाइस करने वाला? मीटर के ऊपर जितना पैसा होता है ले ले, लेकिन एडवाइस करने की जरूरत नहीं है। आओ। ले ले पैसा। हेलो। चलो। हेल्प हेल्प, अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो तुम लोग, छोड़ दो मैं, छोड़ दो मैं, अरे छोड़ो, कोई हेल्प करो। बहुत थैंक्स। मार देता मैं, मेरी बहन होती तो। ऑटो वाले को एडवाइजर बोला था ना, हैं? बचाया तो भैया बन गया। 2 लोगों के आने से डर गया, उससे प्यार करती है तू, इस पर विश्वास करके बेंगलोर जा रही है तू। जिंदगी को गवा कर मत पाओ, बिना खोए जीना सीखो, प्यार करो, माता पिता को कष्ट मत पहुंचाओ। जाओ। मैं घर जा रही हूँ बालू। हे, देखा वहां पर बेटा, हम आराम से पीते थे, एसी चलाकर, पैर पर पैर डालकर, एमटीवी देखने की जगह पर। मोटी एक जर्सी गाय पैदा हो गई है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। चिंता मत कर,
और कोई रास्ता नहीं है, धोती खोल नहीं पड़ेगी, अंदर पैंट पहन रखी है। गुम नाम है कोई, क्या बात है, डिजिटल आवाज में बोल रहे हैं, वो मरे हुए आदमी का तुलिया हिला क्या रहा है? वो आर्मी वाला है, भूत की आवाज से नहीं डरेगा, तू इफेक्ट बदल। साउंड भी आउट है, लाइट भी आउट है। अरे ये क्या, कला साहब देखकर नहीं डरने वाला, कॉकरोच देखकर डर रहा है। आइडिया मिल गया, ओपन द फ्लैश। ये आर्मी, ये बिना क्या है, बिना शर्ट के बिना पैंट के कहाँ भाग रहे हैं? सिर्फ एक ही कपड़ा बचा है, तुम्हारा घर नहीं चाहिए, एडवांस नहीं चाहिए, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अरे ऐसे क्यों भाग रहे हो लेकिन तुम? ये भगवान भी भाग गया, भगवान इस घर में आने वाला हर कोई भाग जाता है, ऐसा क्यों होता है, सब कोई क्यों डरते हैं? कंडीशन हर किसी को बता नहीं सकती, सब कुछ बोर्ड पर लिखा है, यहाँ आकर देख लेना। क्यों माँ जी, दामाद यहीं पे है? यहाँ पर रहने वाले सब कुछ दामाद जैसे ही है, तू एकदम से आकर पूछ रहे हो कि दामाद है कि नहीं? एकदम से नहीं, दो दम से नहीं, मंगला विलास लॉज यही है ना? यही है। फिर दामाद भी यहीं पे है। नाम क्या है? मेरा नाम कल्याण सिंह है, मेरी बीवी का नाम आशा सिंह है, मेरा गाँव नासिक में है। ए, तुम्हारी बीबी का नाम, तुम्हारा नाम थोड़े ना पूछा, दामाद का नाम क्या है बताओ। क्या दामाद का नाम नहीं पता? दामाद जी कितने बड़े बिजनेसमैन है, कितने बड़े अधिकारी हैं वो। ये सब तो बता रहा है लेकिन नाम ही नहीं बता रहा है। दामाद जी का नाम करण। ओ, हमारा कनन है, ये छत पर रहता है। क्या छत पर रहते हैं? अरे छत पर कपड़े सुखा रहा है, तुम तो घबरा गए। सुखा रहे हैं? तेरे मेरे बीच में। अपने आपको एक दूसरे का कमलासन समझ रहा है, थोड़ा सा मिस हुआ ना सदमा कमलासन बन जाएगा, उतर नीचे। सत्य ही तुम हो, शिवम ही तुम हो। दामाद जी के लिए कितने प्यार से गांव से लेकर आया था, इस गांव ने सब कुछ खा लिया, अब क्या करूं मैं? दामाद जी पागलों को भी लॉज में छोड़ दिया क्या? दामाद कह रहा है भगाओ इसे, चल चल भाग, कौवे को भगा रहा है क्या, इस मेंढक को भगा, चल 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 भाग। दामाद जी बदबू आ रही है, भाग। आपके गांव में पत्ते के पीछे लड़ा था वही ससुर, तो नहीं देखो जरा, वो तो अब तक मर गया। दामाद जी आपने मुझे पहचाना नहीं, देखने में तो कोई भिखारी लगता है, कितने बड़े अधिकारी को दामाद दामाद कह के चिल्ला रहा है, चल यहाँ से। बच्चे को तो नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं क्या? मुझे जरा गौर से देखो, तुम भी मेंढक को देखने में लग रहे हो, भगाओ इसे, जाओ भाग यहाँ से, जा यहाँ से, मैं तो पुलिस को पकड़वा दूंगा। ये तो मेरे ससुर जी का ब्रांड है, ससुर जी ये आईडी पहले नहीं दिखा सकते थे? ससुर जी तू प्यार वाला ससुर बहुत देखा है लेकिन ब्रांड वाला ससुर पहली बार देख रहा हूँ। चुप कर ससुर जी। हाँ ससुर जी, अब बाप बेटा एक हो जाए, जुबान और मुंह एक होता है, उसी तरह से ससुर दामाद एक है, गोबर की बदबू दूसरी है, जाकर नहाकर आओ, आज रात को हमारे गेस्ट हाउस में आपके साथ एक स्पेशल पार्टी है। क्यों दामाद जी, शहर में क्या सब कुछ उल्टा सीधा होता है? दारू पीने के लिए भी चोरों की तरह जाना पड़ता है। उसके लिए 3 स्टार रूम ले, चुपचाप चलो ससुर जी। क्यों जी, हमारे गांव में मस्त पेड़ के नीचे मस्त हवा के अंदर दारू पीने में कैसा लगता है? पर नारियल गिरेगा तो कैसा लगेगा? चुपचाप आने को छोड़कर यही हमारा पीने का अड्डा है। ये क्या, ये देने में दारू पिएंगे? अंदर खोलने पर यही ताजमहल दिखेगा।
तुम लोग? वो क्या हम सामने वाले लॉज में रहते हैं ना, किराया दिया बिना। चुप कर, किस लिए यहाँ पर आए हो? चोर 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 चो, चो आया था, उसका पीछा करते हुए आ गए थे, कहीं यहाँ पर तो नहीं आया करके देखने के लिए आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ऐसे असभ्य लोगों की तरह बातें मत करो, जाओ यहाँ से। तोता जोशी, नाड़ी जोशी, चूहा जोशी, साधु जोशी, ये सब झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये शीशा जोशी कभी भी झूठ नहीं बोलता। नाम क्या है तुम्हारा? लावण्या, माधव। मार डाला, तुम्हारी शादी नहीं हुई यही परेशानी है ना? वो बात नहीं है, रात भर नींद नहीं आती है, आने वाले सब मुफ्त के ग्राहक आते हैं, सिटी में पूरी पुलिस की रेड है, आप कुछ नया धंधा बताओ ना। हाँ बताओ, पहले मैं एक धंधे को छोड़कर दूसरे धंधे में आया हूँ, तुम इस धंधे से उस धंधे के लिए आने को कह रही हो, जगह खाली करो पहले। चल हट, गुस्सा मत करो, ये इमरजेंसी केस है। रुको 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 रुको, क्या परेशानी बताओ। दादी का ओरिजिनल पोता हूँ मैं, सांस अटक रही है देखकर बताओ ना क्या हुआ। चिंता मत करो, शीशा वाला जोशी हूँ मैं, हार्ट बीट पार्ट देख कर बता दूंगा। दादी थोड़ी सांस खींच कर लेना। दादी, ए भगवान, मैंने तो सांस अंदर की तरफ खींचने को कहा था, लेकिन लगता है इसने तो अंदर ही सांस बंद कर दी। सॉरी, दादी जी ने टिकट कटा ली। ये लो 500 रुपए, आज तक दादी ने दौलत पकड़ कर रखी थी, आज से मैं 50 लाख का मालिक हो गया। आप 100 साल जियो, 100 साल जियो आप। अरे पापी, सगी दादी को लालच में खा गया और मैं 100 साल जीता रहूं। नेक्स्ट। क्या है, रात भर नींद नहीं आती है क्या? पुलिस की रेड ज्यादा हो गई है क्या? कोई केस नहीं मिला है? केस मिल गई है, ये तो पुलिस वालों की पकड़ जैसी लग रही है। Yes, we are lady police. Glad to meet you. क्यों बे? शीशा वाला ज्योतिष कहकर आम जनता को पागल बना रहा है। चल स्टेशन, मैं तेरा भविष्य दिखा दूँ। चल तू। क्यों बेटा? मैं शहर में नया हूँ। मुझे अकेला घूमने के लिए कह रहे हो? चलो बीच घुमाओ। ज्योतिष बताता है। छोड़ दो उसे, लड़की उसे छोड़ देता हूँ, नहीं तो ऐसा मारता। मैं कौन हूँ पता तुम्हें? मेरा नाम सुनते ही सब लोग डरते हैं। क्या है, पुलिस वाली मार लगती है? हाँ, हम लेडी पुलिस है। यहाँ ये क्या हुआ मैडम? ये जो आदमी है बहुत बड़ा फ्रॉड है, ऑफिस में काम करने के लिए जाता है लेकिन काम नहीं करता, देखने पर चौपाटी पर चने बेचता है। एक दिन पेड़ के नीचे पंडित का काम कर रहा था, आज शीशा ज्योतिष बनकर जनता को पागल बना रहा है। इतने दिनों से वॉच करने के बाद आज पकड़ में आया है। चल पुलिस स्टेशन। मैडम ये पढ़ा लिखा आदमी है, लॉज में हमारे साथ रहता है, इस बार इसे माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। इस बार चौपाटी की तरफ देखा तो छोड़ूंगी नहीं। चलो चले। थैंक्स मैडम। ससुर जी। तू? ससुर जी बोल रहा है, क्या कहा था? बड़ा सा ऑफिसर है, उसमें 7 मंजिल पर एसी रूम में 7,000 रुपए महीना कमाता हूँ, खाली चेक पे साइन करता हूँ करके सफेद झूठ बोला, तुझसे मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा? ससुर जी वो 1,000 झूठ बोलकर एक शादी होती है, अपने माँ बाप से भी झूठ बोलता है ये, लोग कहते हैं, लेकिन साथ वाले दोस्तों से झूठ नहीं बोलता है। आपको मालूम है क्या, आपकी लड़की से बहुत प्यार करता है ये। मैं अपनी लड़की को नदी में फेंक दूंगा लेकिन इससे शादी नहीं करवाऊंगा उसकी। ससुर जी। क्यों बेटी, सामने तुम ही रहने आई हो? इस घर में आने वाले लोग जल्दी से जल्दी खाली करके भाग जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम यहाँ रहोगी, खाना पीना खुद ही बना दियो क्या? हाँ माँ। अच्छी बात है, आजकल की लड़कियाँ तो रसोई घर के पास भी नहीं जाती। बेटी तुम्हें अगर साग सब्जी चाहिए तो इसे ले लेना, शुद्ध दूध चाहिए तो मेरे से मांग लेना, हर समय मेरे लॉज में मिलेगा। 40 साल से हमारा परिवार दूध का काम करता आ रहा है, उससे ही खरीदा है ये। तुम्हारे पास जब भी समय हो एक बार लॉज जरूर आ जाना। हाँ, तुम कहाँ आने वाली हो, एक बड़ी ऑफिसर लग रही हो, समय मिलता भी है कि नहीं? बड़ी प्यारी मुस्कान है, नाम क्या है? जया। अरे बहुत अच्छा नाम है, सुनो तुम अगर मेरे साथ रहोगी ना तो बस मजे ही मजे है। हाँ, क्या हुआ इस लड़की को, खेल कूद की उम्र में ऐसी उदासी है, क्या हुआ,
किसे पता। ए जल्दी काम चालू करो। क्या करूं? कर। ये किस लिए? दांत मांजने के लिए रखा है। दरवाजा साफ कर। हाँ कर देता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है वो? कौन है? ये है क्या? कूकर सीटी बजा रहा है। फिर कुछ लाया था तू? हैं? सुनो मेरे भाई, जब औरत चावल रखती है तो सीटी बजती है, लेकिन ये जो औरत है जब हम सीटी बजाते हैं तब ये बहुत मारती है। मैं सोच रहा हूँ कोई लड़की सीटी बजाने वाली मार खाकर ही ये कुकर खोजा होगा। कितनी सीटी बजा रही है लेकिन कोई उसे मार नहीं रहा। गुरु, मेरे गुरु। वो ठीक है, वो आ रही होगी, जल्दी से काम पर लग जा। मशीन साफ कर, दरवाजा साफ कर। या, या, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? वो क्या, मैं सफाई कर रहा हूँ, मशीन धो रहा हूँ, वो दरवाजा साफ कर रहा हूँ। किससे पूछ कर आए हो यहाँ? वो मैडम चिपकू बोलना। वो मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। हमारे साथ एक काली कलवा भी है जो सूखी मच्छी बहुत अच्छा बनाता है। ये है ना 5 kg सब्जी 5 मिनट में ही काट कर रख देगा। ये भी 5 किलो आटा तुरंत पीस देगा। हाँ देख लो ना, इंजीनियर बनने आया था लेकिन आटा पीसने लग गया। ये है ना छत, ये भी साफ कर देगा। इसीलिए आसमान इतना गंदा है। वो आर्मी मैन का साला है। शट अप, बाहर निकलो यहाँ से। अरे आप शट अप एंड गेट आउट। मैं कह रहा था जाओ। बेटी क्या है, क्या बना रही हो? गुस्से में हो बेटी? एक मिनट लॉज में आकर जाओ ना। क्या? वो मंगला विलास में एक बार आओ ना। अरे आना आना बेटी, सिर्फ एक बार ऑफ करके आओ। आना बेटी। ये सब लड़के औरों से बिल्कुल अलग है। एमए में गोल्ड मेडलिस्ट है, ऑटो साफ कर रहा है। जो पढ़ा है उस पढ़ाई से नौकरी नहीं मिली, इसलिए एक बार पता है क्या किया? थ्रेट, थ्रेट, हट। ए, सर, पिछले हफ्ते अपॉइंटमेंट लेटर भेजकर इस हफ्ते कैंसिल कर दिया और भुगतना मुझे पड़ रहा है। रिटायरमेंट की उम्र 50 से 60 कर दी गई अपनी सुविधा के लिए। गांव-गांव में हजारों स्कूल कॉलेज खोलते हो हमारे पढ़ने के लिए। हमें पढ़ाने के लिए हमारे घर वाले बना हुआ घर बेचकर पैसे उधार मांगकर खून पसीना एक करके जान पहचान के लोगों के पैर बगलकर डोनेशन के नाम पर रिश्वत देकर हमें LKG से लेकर MA तक पढ़ाते हैं। अब आप ही बताइए उन्हें हम कैसे जिंदा रखें? काम करने की उम्र में यहाँ भाषण दे रहा हूँ, पैन पकड़कर साइन करते समय हाथ कांप रहे हैं आपके। 60 साल की उम्र तक काम करोगे? इस देश के बड़े नेता कहते हैं कि देश का भविष्य नौजवानों के हाथों में। नेता, अधिकारी, डॉक्टर भाषण देते हैं, हाँ हाँ करते हैं। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को काम दो सर। काम नहीं है करके चिंता में गांजा पीने वालों की तरह मुजरिम मत बनाओ सर, मत बनाओ सर। काम दो हमें, काम दो हमें। पढ़े लिखे नौजवानों को काम दो सर, काम दो सर, काम दो हमें, काम दो हमें। मिस्टर, आप एक IAS ऑफिसर से बात कर रहे हैं, इज्जत से कह रहा हूं, हाथ जाओ। क्या इज्जत की बात करता है? काम तो मिला नहीं, ऑफिसर को मारने के जुल्म में जेल की सजा मिली। इस तरह हर किसी की कहानी है, संघर्ष, बेईमानी, भागना ऐसे ही चल रहा है। पता नहीं तुम्हें जब देखा तो इनको लगा कि तुम्हारे हाथ से इनका कुछ भला हो जाएगा, इसलिए तुम्हें बिना पूछे तुम्हारे घर पर आ गए थे। आपके पास इतनी लगन, विश्वास, संघर्ष होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। आपकी पहले आगे बढ़ने की जो सीढ़ी है उस पर पैर रखो, सच में आगे बढ़ सकते हो। होशियार होना काफी नहीं होता है, चालाक भी होना जरूरी है, तभी आगे बढ़ सकते हो। इसका मतलब हमारे पास जो दिमाग है उसका यूज नहीं करते? होशियार आदमी के पास अपना दिमाग तो होता है, लेकिन उसको यूज करने के लिए चालाक होना भी जरूरी है, तभी कुछ कर सकते हो। ये है जो एक बड़े नेता की गई गलती की वजह से जल्दबाजी में एक IAS ऑफिसर को मारना बहुत बड़ी गलती है। उस समय शांति से रहते तो आज आपका जीवन भी अच्छा होता। एक केले के पत्ते की लड़ाई के कारण 25 साल से अपने बीवी से बिछड़े हुए हो। इसकी जगह अगर तुम्हारी प्यार करने वाली होती तो उसे गांव से भगाकर ले जाते ना। बीवी के होने पर ऐसा दूसरा व्यवहार?
आपको अगली बार मिलूं तो आपकी बीवी के साथ ही देखूं। इनकी भलाई के लिए आपने बहुत मदद की है। ये सब आगे बढ़ेंगे, इनके साथ आप भी एक कदम आगे जाओगे। आपके मामा की लड़की आपसे जरूर आकर शादी करेगी। जरा थोड़ी सी सब्जी देना। सलीम, तुम बहुत अच्छा डांस करते हो सुना है। हाँ जी। ऐसा कोई गाना है जो मैंने नहीं बजाया? फिर अपना एक अलग ग्रुप क्यों नहीं बनाते? हम लोगों को कौन चांस देगा? कोई हम लोग को स्टेज देने वाला नहीं है, प्रोग्राम नहीं दे रहा है। एक चांस मांग मांग कर हमारे पैर घिस गए। पैर क्या घिस गए, कोई बात करे तो हमारी रोड़े घिस गई। अब तो रोड़ों तक का पता नहीं है। दूसरों की तरह सभा में गाकर तुम भी आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा सोच रहे हो। जिस रोड पर चलते हो उसी को अपना स्टेज बनाओ, वहां से ही तुम अपना गाना चालू करो। जनता ने अगर तुम्हें देखना चालू किया तो उस जीत को कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका में रोड पर डांस करने वाले आज दुनिया भर में मशहूर डांसर्स हुए हैं। उसी प्रकार से विक्ट्री और नाम तुमको ढूंढते हुए आएगी। ओके। इसको पकड़, इसको जकड़, तू तू तू, बोले नजर बोले जिगर, छू छू छू, यहाँ है तू तू, गुड़िया प्यारी कितनी सारी, मैं देखूं बारी बारी, सुन ले मेरे दिल के प्यारों यारों, तू तू सोना सोना दिल है सोना, चोरी चुपके दिल ये डोले, हौले हौले कुछ ये बोले, ये रूप है तेरा सुहाना, ये दिल हुआ है दीवाना, बाहों में मेरी आ जाना, ऐसे ना दिल को तड़पाना, खिली खिली इसकी ब्यूटी से तमसा ढा जाती है, रोज रोज यहाँ वहाँ लड़के ये पटाती है, ये है तो राम प्यारी, ये अभी तो है कंवारी, बनठन के रोज आए कोई आग से लगाए, ये सोनी सोनी है बाला, पागल सबको है कर डाला, इसमें ऐसा है रंग डाला, दिल हो गया मेरा मतवाला, खिले खिले इसकी ब्यूटी से तमसा ढा जाती है, रोज रोज यहाँ वहाँ लड़कों को ये पटाती है, हाँ इससे बच के रहना, सुन ले तू मेरा कहना, तीखे हैं इसके नैना, तुझे दर्द पड़ेगा सहना, ये रूप है तेरा सुहाना, ये दिल भी है दीवाना, ऐसे ना दिल को तड़पाना, खिली खिली इसकी ब्यूटी सितम साढ़ा जाती है, रोज रोज आते जाते लड़कों को बटाती है, ये है तो राम प्यारी, ये है अभी कंवारी, बन ठन के रोज आए कोई आग सी लगाए, मछली जैसी छोरी दे दर्द कोई मीठा सा, जब चाल ये चले तो उठे है कोई तूफान सा, नए नए इसके तेवर होश दिल के लेते हैं, मीठा मीठा दर्द कोई दिल को मेरे देते हैं, ये दिल लगे दीवाना, चाहे है प्यार पाना, वो पास मेरे आए वो प्यार से बुलाए, ये रूप तेरा रंग तेरा लागे मुझको प्यारा सा, ये अंग तेरा ढंग तेरा लागे मुझको प्यारा सा, तू दिल की रानी मेरी जानी है दीवानी प्रियतमा, तेरी बातें भोली भाली है रे रानी मेरी सुन लो ना, हाँ तुम पे हम मरते हैं कहने से पर डरते हैं, तन्हा आहें भरते हैं पर प्यार तुम्हें करते हैं, ये रूप है तेरा प्यारा प्यारा, सुन ले मेरी जाने जान, हमारा है तुम्हारा, सुन ले मेरी जाने जा, मुझको यारा दे तू सहारा, सुन ले मेरी जाने जा, ये जाना कहीं ले ले ये गाल तेरे गोरे, बच बच के जरा जाना, पीछे है तेरे छोरे, तेरे रूप के दीवाने ये तुझ पे डाले डोरे, we'll be right back.
ये मैसी है नशीली, छाए है दिल पे नशा सा, ये छुरी है रंग रंगीली, लागे है मुझे पटाखा, जवां जवां इसका जलवा दिल को प्यारा लगता है, ऐसा वैसा जाने क्या क्या दिल में मेरे जगता है, सपनों की मेरी रानी, मेरी है ये दीवानी, दिल को मेरे ये भाई, इसकी जवां जवानी, ये चाल तेरी बाल तेरे कर दे दिल को दीवाना, ये नाच तेरा रंग तेरा है जाने जा मस्ताना, चोरी चोरी हमसे कभी मिलने यार आओ ना, ऐसी वैसी दिल की सारी बातें कह के जाओ ना, करती नहीं है रातें तड़पाए तेरी यादें, चाहत की सारी कसमें निभाना सारे वादे, ये रूप है तेरा सुहाना, ये दिल भी है दीवाना, बाहों में मेरी आ जाना, ऐसे न दिल को तड़पाना, खिली खिली इसकी ब्यूटी सितम साधा जाती है, रोज रोज आते जाते लड़कों को बताती है, ये है तो राम प्यारी, ये है अभी कंवारी, बन ठन के रोज आए कोई आग सी लगाए, ऑटो में छूट गए 50,000 रुपए, देने वाले ऑटो वाले को चेन्नई पुलिस की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम। ए, सबके नंबर सही से नोट करना। अरे अरे वो देखो हमारी पुलिस वाले गाड़ी ले जा रहे हैं, नोट कर रहे हैं। क्यों सर, क्यों सर, क्यों आप हमारी गाड़ी का नंबर नोट कर रहे हैं? अरे ये तो पार्किंग एरिया है, आप ऐसे क्यों कर सकते हैं? बोर्ड दिख रहा है, बहुत गलत लगा है, ये तो पहले नहीं था, पूछताछ करनी है तो वहां पर जाओ। पार्किंग एरिया है फिर भी नहीं मारे, आप सही बोल रहे हैं, गाड़ी छूटने नहीं दूंगा। अरे आप ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है, ये अन्याय है, आप ऐसा नहीं करेंगे। देखो कैसे, अरे देखो ना भाई, ये क्या कर रहे हैं, हमारा गाड़ी का नंबर नोट कर रहे हैं, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या कर रहे हो सर, बहुत सालों से ऑटो का स्टैंड यहीं पर है, बोल देते तो हट जाते, एकदम से आगे बोर्ड लगाने का क्या मतलब है? तुझे हम फिर से बताएं क्या? वो हमारे साहब हैं, उनसे जाकर पूछो, जाओ। सलाम सर, ये सब आपका क्या हुआ है? रेड लाइन तुम बार बार क्रॉस कर रहे हो बालाजी। क्या बात है सर, मेरा नाम भी आपको पता है? वही तो। याद रखने में पुलिस वाले हाथी की तरह होते हैं, एक बार देख लिया तो कभी नहीं भूलते, कानून कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, खाकी वर्दी वालों को अच्छी तरह से आता है, तो चुपचाप मुंह बंद करके चलता वन। ए सुनो, उठाओ ऑटो को। ऑटो रिक्शा वाले ने भी खाकी वर्दी पहन रखी है, मुझे कानून मालूम है, देखते हैं। नो पार्किंग में एसीबी की गाड़ी खड़ी है, लेकिन हमारी गाड़ी ऑटो स्टैंड में खड़ी हुई है, अब आप ही सर हमारे साथ न्याय कीजिए। ये क्या जज साहब के सामने हल्ला मचा रहे हो सर? एसीपी होकर गाड़ी को नो पार्किंग में खड़ा कर रखा है। मिस्टर, तुम बड़े अधिकारी होंगे अपने लिए, उसके लिए गलत काम करोगे? गलती मेरी नहीं है सर, ये ऑटो वाले। आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन, कोर्ट में आकर फाइन भरकर गाड़ी ले जाना। साहब एक मिनट, न्यायाधीश भवन से न्याय अधिकारी साहब को नीचे उतारा, केवल न्याय नीचे नहीं हो सकता। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर स्पिरिट। थैंक यू सर। क्या मैं ऑटो में ड्रॉप कर दूं? ओ गुस्सा हो गया। ले जगह खाली करो। किराया नहीं देते थे तब तो आपने ऐसा नहीं कहा, आज हम एक अच्छे पैसे वाले होते हुए तुम ऐसा कह रहे हो, और लोगों के लिए मंगला विलास लॉज होगा।
लेकिन हमारे लिए एक माँ का मंदिर है। क्या कर रहे हो तुम? इतने दिनों तक बिना खाए पिए भूखे रहते थे ना, अब पैसा आ गया है ना, एक अच्छी जगह जाकर घर खरीद लो ना। इसके लिए तुम्हें छोड़कर चले जाए? कौन सा दूर है, हर कोई अपनी माँ को छोड़कर काम करने के लिए दुबई, अमेरिका, अफ्रीका जाते हैं। तो क्या माँ का प्यार बेटे के लिए कम हो जाता है? क्या पुरानी ख्याल में जी रहे हो? पैसे आने पर क्या पुरानी बातें भूल जाए क्या? कौन तुमको भूलने के लिए कह रहा है? यहाँ पर मत रो, यही कह रही है। क्यों? क्यों? ऐसा पूछोगे, मुझे पता था। अब तुम जिस जगह पर खड़े हो उसके लिए कितने बड़े बड़े आदमी यहाँ पर आते हैं। ये जग उनके लिए सही नहीं है। रहने वाला घर, पहनने वाले कपड़े, डिसेंट रखने से ही इस समय इज्जत, शान, शौकत सब कुछ है। मेरे बेटो, अपनी माँ के नाते कह रही हूँ, आज तुम अच्छे स्थान पर खड़े हो इज्जत से। एक बहुत बड़ा बंगला खरीद कर, शादी वादी करके, परिवार के साथ खाना पीना। पीने का मतलब? पीने का मतलब वो पीना नहीं मनुष्य, ऐसा कोई काम ना करे, अच्छी तरह से रहना ही, तभी मैं समझूंगी कि तुम इस माँ की इज्जत करते हो। भगवान आगे बढ़ने के लिए एक मौका देता है और बिगड़ने के लिए भी एक मौका देता है। हमारे जिंदा रहने पर एक मौका दे दिया है, कितने भी मौके क्यों ना आए हम नहीं बदलेंगे। अब चाह भी दो ना। चाह भी क्या कर रहे हो, चाह भी तो गई बाढ़ में। ओए ओए ओए, ये गाय कहाँ लेके जा रहा है? ए, क्यों चिल्ला रहे हो बे? वॉइस ध्यान से सुन, मैं नहीं, मोनिका है। मोनिका है? क्यों माँ जी? हाँ? मोनिका को नगर पालिका वाले लेके जा रहे हैं। मोनिका, मोनालिसा, मोनिका से ही लो खरीदा था, कहाँ था? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मेरी मोनिका है ना, जो सात नदी पार करके जंजीरों से बांधने पर भी, मेरे एक इशारे करने पर सब कुछ तोड़कर शेरनी की तरह भाग कर यहाँ आ जाएगी। कहाँ है? माँ जी, तुम्हारा सिग्नल सुनकर पीटी उषा की तरह दौड़ी चली आएगी। कहाँ है तुम्हारी मोनिका? अरे चुप रहे। मोनिका आएगी कि नहीं मुझे विश्वास नहीं होता। चुप करो ना। ए, वो किसी काले सांड को देखकर लाइन मार रही होगी। हाँ। मोनिका भाग गई। अरे चुप कर नाच पीटे। आजा मोनिका। अरे जा जा जा, अपनी जगह पे जा। देख लिया तुमने, देख लिया मेरी मोनिका को? तुमसे भी ज्यादा अक्कल है उसमें। अरे पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। ए तुम जाओ, जाओ यहाँ से। पुलिस आने पर हमें जाने के लिए, हम जाएंगे। हम क्यों जाएं, क्यों जाएं? मैं देख लूँगी ना, हम जाएंगे। अरे जाओ जाओ। इस लॉज का मालिक कौन है? मैं हूँ मालिक। सिटी में बकरी नहीं रख सकते, कानून है। तूने गाय पाल रखी है? हाँ, इसलिए साहब इस लॉज में ही एक रूम बनाकर उसे अंदर ही पाल रही हूँ। वो तो नगर पालिका वाले आकर खोल कर लेके गए, मेरे प्यार के मारे वो तोड़कर भाग कर आई। नहीं आई, रोड पर आने जाने वाले लोगों को मार कर आई है। उसके लिए कोई फाइन वाइन लगा दो तो मैं भर मार कर आई। फाइन वो केरला मारने के लिए भेज रहा हूँ, वही फाइन है। साहब जी ऐसा मत बोलो। साहब जी वो गाय नहीं, मेरी बेटी है, मेरी जान है, उसको मारने के लिए भेजो, ऐसा मत करो साहब जी। साहब जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ साहब जी। चल दूर रख। मत चल। देखो ये जो आप कर रही है ये गलत है सर। देखो ये ये पावर है, समझा? साहब जी बच्चों को मत मारो, बच्चों को मत मारो। ओए तेरी और मेरी लड़ाई है, मेरी माँ को बीच में क्यों घसीटता है? बस इतना ही काफी है मेरे लिए। हे भगवान, क्या कर रहे हो? यूनिफॉर्म में है इसलिए तेरी इज्जत कर रहा हूं। मार्केट में इज्जत दी, बोल ना। अरे नो पार्किंग में इज्जत दी, बोल ना। अब देना इज्जत, मार मारना, सलाम सैल्यूट कर। अटेंशन, सो स्वीट।
ए भगवान, बच्चे को मार रहा है। ये खून नहीं है, तूने जो माँ का दूध पिया है ना बालाजी। हे भगवान, हे भगवान। हे भगवान। साहब जी, साहब जी, छोड़ दो उसे, छोड़ दो साहब जी, छोड़ दो साहब जी। साहब जी, आपको दया नहीं आती, ऐसे मत मारो साहब जी। साहब जी, साहब जी, उसे छोड़ दो साहब जी, ऐसे मत मारो साहब जी। साहब जी, साहब जी, साहब जी, आप कभी सुखी नहीं रहेंगे साहब जी। अरे मैं क्या करूं, मेरे बच्चे को लेके जा रहा है, मेरे बच्चे को लेके जा रहा है। तुम्हारा सत्यनाश हो, तुम्हारा सत्यनाश हो, क्या करूं? इस अन्याय को सुनने वाला कोई भी नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, इनकी जमानत के लिए कोर्ट के ऑर्डर लेकर आया हूं। कोर्ट क्या, कोटा से भी आ जाए तो भी इन्हें बाहर नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ेंगे सर? उन्होंने कोई खून किया है या फिर कोई चोरी की है या लड़कियों को रखकर बिजनेस किया है? जैसे किसी बड़े कैदी को पकड़ के रखा है, नहीं छोड़ने की जिद कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने क्या जुर्म किया है? ऐसा कोई भी जुर्म किया होता तो इन सबको कांस्टेबल से कहकर अरेस्ट करवा सकता था। एक आईपीएस ऑफिसर, वो भी मेरे ऊपर हाथ लगाया है इन्होंने। ये छोटा मोटा जुर्म नहीं है, सबसे बड़ा जुर्म है ये, समझा? कुछ भी हो, एफआईआर फाइल करके 24 घंटे में कोर्ट में हाजिर करना होता, यही कानून का नियम है। ये सब तुम्हारी तरह काले कोट पहने हुए लोगों का कानून होगा, लेकिन पुलिस वाले का कानून अलग होता है। क्या मेंटल समझ रखा है? मैं चाहूँ तो इन सबको एनकाउंटर करके यहीं पर दफना दूंगा, समझा? पुलिस विभाग का नाम बदनाम होने का कारण तुम जैसे सही काम न करने वाले ऑफिसरों की वजह से। हेलो, किसे देखकर सही से काम न करने वाला ऑफिसर कह रहे हो? लॉ को कब सैल्यूट मारना है, लॉयर को कब सैल्यूट मारना है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। जाकर कोर्ट में बात करना। इंडिया में बहुत से पुलिस स्टेशन है, बहुत से पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन कानून सबके लिए एक है, याद रखना। मैं चलता हूं। सच बोल रहा हूँ मैं, जया जिंदा है। ए, क्या बक रहा है? कितने पैग लगाए हैं? क्या बक रहा है तू? जया को मैंने अपनी आंखों से देखा है। Thank you.
तुम्हारे दोस्तों के बारे में जानने के लिए ही तुम्हें जिंदा छोड़ा है। अब तुमने अपना मुंह खोल दिया, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बिन लादिन की तरह हमारा दोस्त एसीपी, ये उसके पास कैसे फंस गया समझ नहीं आ रहा। हाथ के नाखून की तरह काटने वाला बार बार ये इसे क्लोज करने की हिम्मत कर रहा है। दोस्तों में कुछ आइडिया है? इस क्रिमिनल जैसे शेर दिमाग को भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कोई कुछ भी नहीं मिल रहा। सिटी में बहुत सख्त पुलिस वाले थे, इनकी डेथ एक्सीडेंट या इंसिडेंट है? वो क्या है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा। आप उनके क्लोज फ्रेंड हैं, उनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम था या कोई दुश्मनी क्या आप खुल के बताएंगे? I don't know. सर, आपको किसी पर शक है सर? गलत मत समझिएगा, आप सब मीडिया वाले हो, इस विषय को बैलून की तरह फुलाकर कुछ डैमेज मत कीजिएगा। थोड़ा वेट कीजिए, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। यू कैन गो नाउ प्लीज। प्लीज ओके, चलिए। थैंक यू। प्लीज एक आईएएस ऑफिसर को हाथ लगाने पर ही मुझे 3 साल के लिए अंदर कर दिया। आपने असिस्टेंट कमिश्नर को मारा है। हम सब अच्छा करें, एडवाइस देने वाली अब खुद गलत काम करके खड़ी हो क्यों? ना कोई जान ना पहचान, और लोगों को खाना खिलाया, उसी हाथ से बंदूक चलाई। आप हजारों सच्चाई बताओ फिर भी एक औरत के स्थान पर रहकर जो किया वो गलत है। ये जया कभी झूठ नहीं बोलती। मैं और मेरी फ्रेंड प्रीति कैटरिंग कॉलेज में पढ़ते समय Where is principal room? Go straight. Thank you. Excuse me. Yes. Who are you? What are you doing? Is this college or fish market? College के अंदर सिगरेट पीना मना है, पता नहीं है? अब दूसरी mistake कर रहे हैं आप। You wasting Indian economy. एक सिगरेट कितने की है पता है? 3 रुपए की है। छोड़ो। है? हाय। दम अरु दम दम अरु दम क्या है ये पागलपन? पागल मैं नहीं, पागल वो है वहाँ पर। हेलो, फिर कभी सिगरेट पीने का मन करे तो ये चॉकलेट खा लेना। बाय। क्या करूँ भगवान। डियर स्टूडेंट, मैं हूँ इस कॉलेज का नया प्रोफेसर, नाम है सूर्यपन। फर्स्ट डे हमारा सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। यू नो द नेम ऑफ सब्जेक्ट? नो सर। हलवा। हलवा। भक्तगण भगवान को देते हैं हलवा, स्टूडेंट प्रोफेसर को देते हैं हलवा। हलवा हलवा हलवा। वहाँ हलवा बनाने के लिए जरूरी सामग्री होती है सूजी का आटा और चने। एक्सक्यूज मी सर। शक्कर आधा। एक्सक्यूज मी सर। यस। ये तू वही पागल है नया प्रोफेसर लगता है। क्या 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 बे। हाय गाइस। फ्रेंड्स, आज आप लोग हलवा बनाना बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। क्योंकि मैंने इन प्रोफेसर को फेविकॉल चॉकलेट दे दिया है। अरे तो क्या आज क्लास है? लेट्स गो। एक्सक्यूज मी। यस। आप पार्डन की लड़की हैं? ए, इस तरह का मजाक मुझे पसंद नहीं। क्या है क्या मैडम, जब देखो तब गलत ही समझते हो। सुंदर लग रही है इसलिए ऐसा कहा। सच में मैडम, इतना सच सवर कर कहाँ जा रही है? रिलेटिव की शादी है, वहाँ जा रही हूँ। अरे संभल कर, दूल्हा कहीं आपको दुल्हन समझ के मंगलसूत्र न पहना दे। चुप कर। ए प्रीति। हाँ। मैं सच में ऐसी लग रही हूँ क्या? हाँ सच में लग रही है मैडम। मैडम, ऐश्वर्या राय से भी अच्छी लग रही हैं आप।
थैंक्स। अयो शिट। ए प्रीति मैडम आइए। क्यों मैडम? वार्डन की लड़की हूँ। क्या कहा? ऐश्वर्या राय से भी अच्छी। दूल्हा मुझे मंगलसूत्र पहनाएगा। ज्यादा मजे आ रहे साबुन है। इस तरह के कितने साबुन मैंने देखे हैं। देख ऐसा खेल मेरे साथ मत खेल। प्रीति! Preparing Chinese food, may I have your hat less on you? संडे के दिन एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे थे। तेरे रहने तक तो हम पढ़ ही नहीं सकते। क्यों हमारा खून पीती है? तेरे साथ ना बहुत टेंशन है। टेंशन 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 टेंशन। सुबह उठो तो टेंशन टेंशन, कॉलेज जाओ तो टेंशन, अप्रैल आए तो टेंशन टेंशन, एग्जाम आए तो टेंशन, दिल टूटे तो टेंशन, कंफ्यूज हो तो टेंशन, आधी रात को नींद ना आए तो वो भी एक टेंशन। सुबह उठो तो टेंशन टेंशन, कॉलेज जाओ तो टेंशन, अप्रैल आए तो टेंशन टेंशन, एग्जाम आए तो टेंशन। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या बात है? शोर मचाने वाली प्रीति भी चुप है, तो फिर वो म्यूजिक। पास में कोई फंक्शन हो रहा है क्या? हाँ, होगा मैडम, होगा। ठीक है, कैरी ऑन। मैडम आप कुछ टायर्ड लग रही हैं, कुछ मिल्क ले लीजिए। मिल्क? मैं तो सॉरी मैं भूल गई थी, आप तो डाइट पर है ना मैडम? या मैडम थोड़ा सा ठंडा पानी लेंगे आप? थोड़ा सा। ओके, जस्ट प्लेन वाटर। ओके मैडम, लेकर। हाँ लेकर आती हूँ। ये लीजिए मैम, स्पेशल है। oh.
वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, ऐसे ही सीरियसली प्रैक्टिस करने से ही इस कंपटीशन में तुम जीत सकते हो। थैंक यू मैम। कंपटीशन ए सुनो जया, हमारे कॉलेज की इज्जत तुम्हारे हाथ में ही है, तुम कैप्टन हो इस टीम की, जितना ही होगा जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर। यू प्रीति, देखो प्रीति बंदर की तरह चिल्ला रही थी, मुझे पता है तुमने किया होगा। देखो प्रीति, आने वाले इंटर कॉलेज की कंपटीशन में हमारे कॉलेज को ही जीतना है, वहाँ अनेक वीआईपी आ रहे हैं, इसलिए अपनी हरकतों को बंद कर ढंग से प्रैक्टिस करो, नहीं तो। मैडम सॉरी मैडम, कितनी बार इसको समझाया है, इसके खाली दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, इस बार माफ कर दो, कोई पनिशमेंट मत देना। ओके जया, तुम्हारे कहने पर माफ करती हूँ, फिर भी इसे ग्राउंड के चार चक्कर लगाने होंगे, वो भी उल्टा होकर। फर्स्ट आइटम ऑफ आवर कंपटीशन इज फ्लोर क्लीनिंग, रेडी स्टार्ट। वेरी गुड, कम ऑन गेट अप, कांग्रेचुलेशंस, बहुत जल्दी आई हो, देखा सबको, इसकी तरह ही होना चाहिए, मेरे कहने पर स्टार्ट करना, 3 2 1 स्टार्ट। प्लेट को नीचे गिराने पर प्रीति इस कंपटीशन से हट जाए। एंजल कैटरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली जया इस कंपटीशन में जीत गई, उसे बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। लास्ट आइटम ऑफ कंपटीशन इज वेजिटेबल फ्राइड राइस कुकिंग। ये फ्राइड राइस नहीं है बेटा, कुछ अलग ही है, बीफ फ्राइड राइस। खाना चालू कर रहे हैं, देख तू ही फर्स्ट आएगी। ये तू कैसे कह रही है, मैंने आइटम ही ऐसा मिला है। इस कुकिंग कंपटीशन में हुए इस वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाने वाले को ही हम फर्स्ट प्राइज देना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू जया, कांग्रेट। थैंक यू मैडम। सुनो, इससे पहले इस तरह की कंपटीशन बहुत बार हुई है, लेकिन इतना टेस्टेड फ्राइड राइस किसी ने नहीं बनाया। What is your secret? B is the secret of her fried rice. Come on.
गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन बिहाफ ऑफ एंजल कैटरिंग कॉलेज वी वुड लाइक टू वेलकम अवर चीफ गेस्ट। समझते समझते तुम्हारी हिंदी के बारे में कैसी राय टेस्ट कर रही थी, हिंदी में ही बोलती हूँ। इस समारोह में आए हुए श्री कृष्णा जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयत्न किए हैं। अपने जीवन में इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। वहां देख, देख रहा है इधर। वहां पर मत देख, चुप रहे। सब कहते हैं कि एक पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ हजारों औरत के पीछे एक पुरुष का हाथ है, हमारे चीफ गेस्ट उद्योगपति श्री कृष्णा जी। हम निवेदन करते हैं श्री कृष्णा जी से कि इस खुशी के मौके पर एंगल कैटरिंग कॉलेज फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट प्रीति को फाइनल ईयर की जया को पुरस्कृत करें। थैंक यू। नमस्ते। लीजिए। थैंक यू सर। वेल डन। थैंक यू। सुन प्रीति, रुक तो सही, जो मैं कह रही हूँ सुन तो सही। प्रीति, प्रीति, ए प्रीति, किस लिए फील कर रही है? फंक्शन में दो चार लोग देखते ही हैं, उसके लिए क्या तुम रोती रहोगी? मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ, तू तो इंटरव्यू के लिए शहर चली जाएगी, मैं यहाँ अकेली रहकर क्या करूँगी? हे भगवान, बस इतनी सी बात के लिए मैं क्या बॉम्बे में रह जाऊंगी? इंटरव्यू खत्म होते ही तुरंत आ जाऊंगी, मैं क्या तेरे बिना रह सकती हूँ क्या? दिस इज नेसेसरी। फिर एक बार अकेला शब्द यूज किया तो? चल चल, मैं पैकिंग कर रही हूँ, चल कर हेल्प कर। मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे वापस आने तक तू हंसते रहना, समझ गई? अच्छा, मेरे से ही बदमाशी, रुक तुझे बताती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी जान बाबा। अच्छा बाबा, काउंटिंग स्टार्ट्स नाउ। वन, मालिंगो मालिंगो, डैम इट, क्यों बे इज्जत वालों की तरह पैंट शर्ट पहनकर हाथ पकड़ के खींचते, क्या समझ रखा है तुमने? आज तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है, तुम जैसे लोगों को पुलिस में देना चाहिए। मैडम 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 मैडम, रहने दो मैडम, रहने दो, मैं तो उधार के पैसा लेने आया था, मुझे पैसे नहीं चाहिए मैडम, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। वाह, आ गई तुम। ए, कमिंग। ओ सेक्सी, वाओ। मुझे छुआ तो स्टूडेंट तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम भी तो स्टूडेंट ही हैं। लॉ कॉलेज का स्टूडेंट था लेकिन अब मैं लॉयर हो गया हूँ। क्रिमिनल कॉलेज का स्टूडेंट था वो इंस्पेक्टर हो गया है। वहाँ देखो आराम से जो वहाँ बैठा है, वो किसी कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, वो नहीं पढ़ा है, वो तुमसे पढ़ना चाहता है। सर, सर, मैं पढ़कर बहुत आगे जाना चाहती हूँ सर, प्लीज सर, मेरे सपनों को बर्बाद मत करिए। तुम्हारे सपने? हमारे सपनों में भी तो तुम ही हो। सिस्टर, मैं बहुत बड़ा करोड़पति बनना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारी जैसी यंग गर्ल्स को पकड़कर, सजाकर, खेलकर, उनके वीडियो फिल्म बनाकर विदेशों में इंटरनेट पर बेचना चाहता हूँ। हम सबको करोड़ों रुपए मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करो ना सिस्टर, प्लीज। इनफैक्ट इंटरनेट की जिसने खोज की है उसकी प्रतिमा जो बीच पर लगाने का हमने प्लान भी सोचा है। वी आर सो मच डेडिकेटेड टू दिस जॉब माय डियर। अरे पापियो, हो गया बस। पढ़ाने वाले परिवार को कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं पता है? ऐसा करके क्यों लड़कियों के बददुआएं ले रहे हो? छी, ये भी कोई काम है तुम्हारा? ओए, हमारे बारे में कुछ भी बोल लेकिन काम के बारे में कुछ मत बोल, समझ गई? काम ही उसका भगवान है, थोड़ा कोऑपरेट कर
छूना दुपट्टा प्लीज सिस्टर बन जाओ ना प्लीज प्लीज कम ऑन चालू अरे जरा प्रीति को नींद में चलने की बीमारी के कारण अपने हॉस्टल की छत से कूदकर मर गई समझे यस प्रीति 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 क्या हुआ प्रीति 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 हे भगवान प्रीति 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 कोई एम्बुलेंस को बुलाओ प्रीति 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 डॉक्टर डॉक्टर प्लीज सेव हर Thank you.
मैडम आपके लिए चिट्ठी है। श्री जया जी, आपका प्रीति के प्रति कितना प्यार है वो हॉस्टल में ही देख लिया था। तुम्हारी प्रिय दोस्त की मौत आत्महत्या नहीं, उद्योगपति कृष्णा और उनके दोस्त वकील, सुरक्षा अधिकारी अरुण, ये सब प्रीति की हत्या के जिम्मेदार हैं। मुझे और मेरी फैमिली को मारने की धमकी देकर आत्महत्या की झूठी रिपोर्ट लिखवाया था, इसलिए मन में छुपा ये सच आज आपको बता रहा हूँ। भगवान मुझे माफ करेगा। हेलो, कमिश्नर्स ऑफिस। यस, मैं कैटरिंग कॉलेज से जया बोल रही हूँ सर। मेरी फ्रेंड ने आत्महत्या नहीं की, उसके हत्या के पीछे जो लोग हैं उसका जवाब मेरे पास एक लेटर में लिखा है। प्लीज आइए आप। ए, रोक। ए, चल तू जा। तूने जो कमिश्नर ऑफिस पर फोन किया था वो मैंने ही उठाया था। उस संबंध में तेरे पास जो लेटर आया है वो मुझे दे। इधर ला। बिना माँ बाप की लड़की थी, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तितली की तरह पूरे कॉलेज में घूमती रहती थी, उसे जाकर तुमने मार डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो फिर पकड़ ले। तितली की उम्र 8 दिन है, पता है तुम्हें? लेटर तुम दोगी या फिर मैं खुद निकाल कर पढ़ लूं? देना, देना कह रहा हूँ। मेरे हाथ से कोई नहीं बच सकता। पता है क्यों? मैं साड़ी पहनाने वाला कृष्णा नहीं हूं, मैं साड़ी उतारने वाला कृष्णा हूं। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारी समझ के बाहर है। मुझे तो लड़की चाहिए, उसकी खातिर कितने भी खून कर सकता हूँ मैं। इज्जत से बोल रहा हूँ, चले जाए यहाँ से। सुपर सिस्टर, मैंने लाइफ में बहुत सारी सिस्टर्स देखी हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी बोल्ड सिस्टर कभी नहीं देखी। बहुत डिफरेंट लग रही हो सिस्टर। सिस्टर ऐसा पोज मेरे सामने मत करो। Oh!
Hey, मैं भी तेरे जैसा ही पुलिस ऑफिसर हूँ। अरे छी, खाकी वर्दी पहनकर गवर्नमेंट की सैलरी लेने वाला, तेरे मरने पर तेरे बीवी बच्चों को, तेरे रिटायर होने पर जो तुझे पेंशन देती है, ऐसे गवर्नमेंट की, ऐसे जनता की सिंसेयरली काम करने की जगह, हमारे देश की लड़कियों की इज्जत न करने की जगह, उनके वीडियो फिल्म बनाकर इंटरनेट के जरिए विदेशों में व्यापार करने वाले ऐसे लोगों के साथ हमारे डिपार्टमेंट के संबंध होने के कारण आम जनता पुलिस को पुलिस न कहकर मामा कहती है। मामी, तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। शट अप, पढ़ा लिखा है तू? काला कोट शरीर के ऊपर पहनना होता है ना, उसी काले कोट से अपने मन को ढक लिया है तूने। औरतों की इज्जत के साथ खेलने वाला तू एक लॉयर है। लॉयर हूँ कि नहीं, अभी थोड़ी देर में पता चल अच्छा, जाएगा। अच्छा, एक बात बताना जरा, दूसरी लड़कियों की लाइफ के साथ खेलने वाले तुम अपने घर की लड़कियों की वीडियो फिल्म बनाकर उसे टेलीकास्ट करो ना, करोड़ों रुपए मिलेंगे तुम्हें। औरत को भगवान समझने वाले इस देश में उनको बेइज्जत करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों को रोड पर खड़ा करके पत्थर से मार के खत्म कर देना चाहिए। तू मेरी पावर को जानती नहीं है अभी, मैं चाहूं तो तेरी लाइफ को हीरो से जीरो कर दूंगा। मुंह बंद रख मवाली कहीं का। हेलो, मैं डीआईजी बोल रहा हूं। सर, जो भी है उन्हें तुरंत छोड़ दो। सर, उन लोगों ने बड़ी I don't want any explanation. Do it. आइए, आप यहाँ आएंगे ये मुझे मालूम था। कानूनी तौर पर दिए हुए वोट से आम जनता की सेवा करने की बजाय तुम इन जैसे समाज के दुश्मनों को बचाने आए हो। हाय हाय, क्या बात है भाई साहब, भीगे हुए आए लगता है। लेट कैसे हो गया? प्लेन क्या नदी में लैंड हो गया था? आकर वाट लगाता हूँ। मैं बाहर आ गया हूँ, किसी को आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आता हूँ। हेलो। लॉकअप के अंदर कैदी मारने से डिपार्टमेंट मुझे सस्पेंड कर सकता है। लॉकअप से बाहर कैदी को मारा तो कैदी भाग रहा था कह सकती हूँ, तब वही डिपार्टमेंट मुझे अवार्ड देगी। इसीलिए इतनी देर तक तुम्हें छोड़ के रखा था, समझे क्या? एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को आतंकवादियों ने मार दिया बोलेंगे। ए, मैंने तेरे जैसे हजारों को देखा। जैसे तैसे पुलिस स्टेशन में मुझे एक मुस्लिम इंसान ने बचाकर अपने ही घर में ट्रीटमेंट दी। धीरे धीरे सही होने लगी मैं। मेरे शरीर पर दिए हुए घाव तो मिट गए, लेकिन मेरे मन में लगी आग उन्हें मारकर ही बुझेगी। उन पापियों को मारने के लिए एक एक दिन अपने आप को तैयार किया है। उन पापियों को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई थी। उसी समय तुम्हारी इज्जत मिली।
कोई भी लड़की ना पाने वाली कठिनाई को तुम उस कठिनाई से गुजर चुकी हो। तुमने जो फैसला लिया है, इतने साहस और आत्मविश्वास से यहाँ खड़ी हो, यू आर रियली ग्रेट। अपनी दोस्त की खातिर आपने कितनी कठिनाई का सामना किया है, आप हमारी फ्रेंड हो, हमें क्या करना है बोलो। आप जैसी लड़की की जरूरत बल्कि पूरे भारत को है, सच कह रहे हैं। हमारी सफलता का कारण आप ही थी, सच कह रहे हैं। आपके इस संघर्ष में हम सभी लोग आपके साथ हैं, ये सच है। हर एक दिन मेरे जीवन में जो हादसा हुआ सबसे बड़ा है, समझा था। लेकिन तुम जिसके लिए संघर्ष कर रही हो, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। आज से वो तुम्हारे दुश्मन ही नहीं बल्कि हमारे दुश्मन भी हैं। हाँ मैं भी, हाँ मैं भी, हाँ मैं भी। हमारे क्लोज फ्रेंड अरुण को तो हमने खो दिया। हमने कभी अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ा, लेकिन कई दुश्मन हमारे ऐसे हैं, हमारी जान के पीछे पड़े। हाथी के सामने शेर नहीं आता, शेर की तरह सामने आए तो उसे पकड़ लेंगे हम, पर सांड की तरह आया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, तुम जरा होशियार रहना। तुम्हारे रहते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता कृष्णा, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ सुनो, कल मैं तुम्हारे फंक्शन में नहीं आ पाऊंगा। क्यों? मेरी कुछ बिजनेस मीटिंग है, इसलिए तुम अपनी सिक्योरिटी टाइट कर लेना। ओके, बी केयरफुल, या ऑल द बेस्ट। नमस्कार, मुख्य समाचार। देश के विख्यात अधिवक्ता श्री पुलकेसी जी कल न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह कल 10 बजे उच्च न्यायालय में होगा। उनको राज्यपाल शपथ ग्रहण करवाएंगे। ये सब नहीं देखे इसलिए कानून की देवी की आंखें बंद हैं। इतने दिनों तक न्याय को रिटेल में बेच रहा था, अब होलसेल का मालिक बन गया है। वकील होकर इतने दिनों तक झूठ बोलता रहा, लेकिन अब इसे झूठी शपथ नहीं लेने देंगे हम। वी शुड गिव द जजमेंट। हाँ, ये तो बहुत पहले मिलने वाला प्रमोशन है। थैंक यू। और अब अनंत कुमार जी को पदवी प्रमाण पत्र दिया जाता है। न्यायाधीश की पदवी पर पुलिकेशन में, न्यायाधीश की पदवी पर पुलिकेशन में न्याय करूंगा। न्याय जल्दबाजी में जानबूझकर देख अनदेख सच्चाई से न्याय करूंगा। न्याय रुक जाओ, इसे न्यायाधीश का पद मिला तो पापियों के अन्याय को स्वतंत्रता मिलने जैसा हो जाएगा, न्याय ही तोड़ने जैसा होगा। इस समुदाय में से काला हैवान है ये पुलिकेशन, इसका सच्चा चेहरा तुम्हें बताने के लिए मैं आई हूं। लड़कियों की इज्जत से खेलकर, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर, लड़कियों की फिल्म इंटरनेट में डालकर करोड़ों रुपए कमाकर घटिया नीचपन का काम करने वाला है यह पुलिकेशन। वकील होने का फायदा उठाकर अपने मतलब के लिए यूज करने वाला ये न्यायाधीश कभी नहीं हो सकता। इसके जैसे लोग न्यायाधीश हो गए तो इस न्याय की देवी का सर झुक जाएगा, शर्म से झुक जाएगा। इस पवित्र धरती पर एक गाय के बच्चे को मारने पर उसी पवित्र देश में उसी के बच्चे को मारने की सजा सुनाने वाला देश है ये। गलती से न्याय सुनाने पर अपनी जान देने वाला पवित्र देश है ये अपना। ऐसे पवित्र देश में इसके जैसे हैवान को न्यायाधीश का पद नहीं मिलना चाहिए। न्यायाधीश का मतलब गरीब अमीर जाति समुदाय रिश्ते नाते सब कुछ त्याग कर सामने खड़े होकर न्याय की देवी की तराजू की तरह न्याय होना चाहिए। लेकिन ये पापी न्यायाधीश हुआ तो तुम सबको क्या न्याय मिलेगा, जवाब दो। तुम सबके चुपचाप रहने से ही इसके जैसे हैवान लोग बड़े बड़े पद पर बैठे हैं। एक गरीब किसान अपने बेटे को छोड़कर फसल पर पूरी मेहनत लगा देता है, पढ़े लिखे सब कुछ जानने वाले तुम इसके जैसे पापी इनको न्यायाधीश कैसे बनने दे सकते हो? आज तक यहाँ पर तुम लोगों को न्यायाधीश ही न्याय देते थे, लेकिन आज सबसे पहले न्यायाधीश के पद पर बैठने वाले इस हैवान को
तुम सब क्या न्याय करोगे? बोलो, जवाब दो। नो 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 नो। क्या हुआ पुलिकेशन? What happened to you? मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये पद नहीं चाहिए। पुलिकेशन को ये पद नहीं चाहिए। पुलिकेशन को ये पद नहीं चाहिए। No, I don't want it. मुझे ये पद नहीं चाहिए। Please, मुझे नहीं चाहिए ये पद। No, ये न्यायाधीश का पद मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ये पद। No, no, no. मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए पद। मुझे नहीं चाहिए। छोटी सी उम्र में ही आपने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। आपकी सेवा को देखकर महिलाओं की तरफ से आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये समारोह अगले हफ्ते रखा है, आपको केवल आकर बैठना है। नो नो, मुझे ये निमंत्रण स्वीकार नहीं है। ऐसा मत बोलिए, हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया था कि आप ही सम्मान के अधिकार रखते हैं। इतना ही नहीं, आजकल चर्चा में जया है। कौन सा ट्रूप है? जया का डांस प्रोग्राम। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं आऊंगा। ओके ओके, हम चलते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, मैंने आपको पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। अगर बता दोगी तो हमारी भी खुशी बढ़ जाएगी। हाँ बताओ ना। औरतों का अपमान करने वाले उस नालायक को औरतों की भलाई करने वाला कहकर उसका कल स्वागत समारोह करने वाले हैं। है? कल उस फंक्शन में हमारा प्रोग्राम तो कंफर्म्ड है ना? कंफर्म है, कंफर्म है। यस, कल होने वाला फंक्शन इससे पहले कभी नहीं हुआ हो। बहुत अलग ही प्रोग्राम लगना चाहिए ये। Thank you.
तूने क्या समझा, तू ही साड़ी पहनने वाली शेरनी है और तेरे ये तीन साथी इस शेरनी के फ्रेंड्स हैं? हाँ? सुन मेरी बात, इस तरह से मुझ जैसे बड़े उद्योगपति से मिलने के लिए सिर्फ इच्छा ही काफी नहीं है, किस्मत भी चाहिए। अब देख, किस्मत की हवा मेरी तरफ है, नहीं समझी? अभी तू बेरहमी से नीचे जाने वाली है, नहीं 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 ऊपर जाने वाली है। ए, इसको यहां से उठाकर हम लोग नीचे फेंकेंगे तो ये मर जाएगी ना, मर जाएगी ना। तू डर लग रहा है, डर लग रहा है तुझे? ए भाई, इसको डर लग रहा है। मरते समय डर कर नहीं मरना चाहिए, इसलिए पहले से मार कर बाद में उठा के फेंक देना। हाँ। हेलो सर, फंक्शन हो रहा है, वहां से बोल रहा हूं। फंक्शन का टाइम हो गया है। उद्योगपति कृष्णा जी, 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 जिंदाबाद। भगवान के पास जाकर हमें कष्ट क्या है, कहने पर ही सद्बुद्धि प्राप्त होती है। बिना बोले खुद ही आकर महिला समुदाय के लिए और जनता की सेवा के लिए हर समय आगे पीछे आते रहते हैं हमारे कृष्णा जी। महिलाओं को अपनी आंखों पर रखने वाले वो महिलाओं की पूरी सहायता करके उनका भला करके उनको अपनी तरफ से उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने महिलाओं को कितनी हेल्प की है ये इस फोटो में देख सकते हैं आप लोग। नमस्ते सर, जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह आदमी के भी दो चेहरे होते हैं। इस कृष्णा का एक चेहरा आपने देखा है, लेकिन इसका दूसरा चेहरा, इस कृष्णा का एक दूसरा चेहरा देखने के लिए बहुत मेहनत करके सबूत के साथ लेकर आए हैं। शांति शांति बनाए रखें। समुदाय में मेरे जैसे पैसे वाले नाम वाले होने पर इस प्रकार के मुझ पर छोटे छोटे आरोप लगाना आजकल के दौर में तो ये बहुत आम बात हो गई है। झूठे आदमियों को रखकर गलत तरीके से फोटो निकालकर वो मैं ही हूं ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं लोगों को। इस टेक्निक को मैं नहीं मानता और मुझे पूरा विश्वास है आप भी नहीं मानेंगे। आते समय मुझे मारने का प्लान था लेकिन नहीं मार पाए। अब जया का नाम लेकर प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं मेरे लिए। जया आज दुनिया में नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं, इसलिए यहां मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए सामने आने के बजाय आप लोगों को भड़का रहे हैं। बोलो, जया नाम की लड़की जिंदा ही नहीं है। जया अगर है तो आने को कहो उसे, वो नहीं आएगी, समझ गए? क्योंकि शी इज डेड, वो मिट गई है। इस जया को कितने भी जन्म लेने पर भी मार नहीं सकते। औरतों को मां के रूप में समझने वाले इस देश में औरतों की इज्जत से खेलकर वीडियो के द्वारा उनकी सीढ़ी निकालकर पूरी दुनिया की औरतों का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? महान लोगों की प्रतिमा मत लगाओ। इन जैसे औरतों की इज्जत से खेलने वालों को उनके हाथ पैर काट कर बीच रोड पर प्रतिमा लगा देनी चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ी सही होगी। तुझे पैदा किया एक माँ ने, छोटी उम्र में खेला अपनी बहनों के साथ, अभी तू जिसके साथ रह रहा है वो पत्नी भी एक औरत है। ऐसे सुबह से लेकर रात साथ में रहने वाले तुम लोग क्यों ऐसी औरतों को बदनाम कर रहे हो? तूने जो हाथ उठाया उसे नीचे करने तक ये जनता क्या करती है देख। Thank you.
इतने दिनों तक इंटरनेट से जो बिजनेस कर रहा था, कोई कानून मेरा कुछ नहीं कर पाया। पता है क्यों? कानून को जेब में रखता हूं। देखो, तुम सब लोगों की जिंदगी मेरे हाथों में है। मैं अगर चाहूं तो एक ही मिनट में तुम सबको ऊपर पहुंचा सकता हूं। जाओ जाओ जाओ। मेरी जगह अगर इसके पैदा करने वाली माँ भी होती तो यही करती। वही मैंने किया। मैंने जो किया वो गलत हो तो सब लोग मुझे माफ कर देना। ये क्या कह रही हो माँ तुम? मेरे बच्चों, तुम सब छोटे बच्चे हो। संघर्ष करने के बाद तुम्हें इतनी सफलता मिली है। इसे मारकर तुम्हें अगर जेल चले जाते तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाती। जया, तुम सब लोगों के लिए और भला अच्छा काम करना। इस देश को तुम्हारी जैसी लड़कियों की जरूरत है, होनी चाहिए। हाँ बेटा, हाँ। एक समाज के विरोधी को खत्म करने पर मंगला जी को ये अदालत माफ करती है। पायल चांदी की छन छन है बाजे, छन छन सुन के जादू जैसा दिल